हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई चली होगी। मैं पढ़ा रहा हूं आपको गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर हर्तुल शर्मा एनसीईआरटी पैटर्न की अध्याय पढ़ा रहा हूं आपको 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली है 12B। 12B की मैंने कल क्वेश्चन आपको अपलोड किए 17 नंबर तक। आज मैं आपको बताऊंगा 18, 19 और 20 क्वेश्चन। आपको 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी मैं बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। और देखने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा है किसी कार के दो वाइपर 18, 19, 20 आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको बताना है जो रह गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहले आप लोगों से कहना कहूंगा, अगर वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देखने से पहले देखते समय आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो लाइक नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए किसका क्वेश्चन लिखा है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया है क्वेश्चन, मैं ऊपर कर देता हूं आप लोगों को। क्या दिया है हमें? क्या दे दी है? वृत्त की त्रिज्या दे दी है r बराबर कितनी दे दी? 25 सेंटीमीटर। और यहां पे हमें कोण दे दिया है, थीटा कितना दिया है? 115 डिग्री। अब उसने पूछा है दो पत्तियों की है, पत्तियां कितनी है? दो। और दो पत्तियों की या दो वाइपर की हमारे प्रत्येक बुहार के साथ जितना साफ क्षेत्रफल होगा वो बताना है, तो लिख लेंगे हम जानते हैं कि दोनों पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 × 1 पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 × θ/360 × πr² तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2 × θ का मान लिखा है 115 डिग्री / 360 × 22/7 × 25 × 25 तो जाएंगे हमारे पास। अब इसको काट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 115, तो जो जाएंगे हमारे पास बहुत आसान है, देख सकते हैं आप, जो काटने पे 25 का हो जाएगा 625 और जो जाएंगे 11 × 22 तो हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ बचेगा काटने पे हमारे बचेगा कर लेते हैं 2 × 18 × 36 180 180 और ये हो जाएंगे हमारे पास कितने? 9 × 11 × 22 तो 90 हो जाएंगे और हो जाएंगे हमारे पास। अब इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 7 × 7 = 7 और 4 × 11 नहीं कटेगा तो ये कट जाएंगे हमारे पास 9 × 9 = 9 से भी नहीं कटेगा 3 × 3 = 9 3 × 9 = 11 तो यहाँ पे काट लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे हमारे पास ये हो जाएंगे 23 से कट जाएगा 23 × 11 × 625 / 18 = 90 और 23 × 5 = 115 18 × 7 इसका फिर से गुणा कर लेंगे, ऊपर गुणा कर लेंगे जाएंगे 158,100 कितने हो जाएंगे? 25 / 126 / 26 तो ये हो जाएंगे cm². जो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। आप लोगों को गुणा करना है, गुणा जोड़ घटाना करना है बस, बाकी नहीं आंसर आ जाएगा। आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने देंगे। ठीक, आप बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर कितना 19 क्वेश्चन लिखा हुआ है। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण बनाने वाले एक तेज खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। जहाजों को चेतावनी देने के लिए कोण उसने दे दिया तुमको, कोण थीटा और आर कितना दे दिया? 80 डिग्री। ठीक है, और यहाँ किलोमीटर तुम्हें दूरी दे दी है तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी r बराबर कितना दे दिया? 16.5 किलोमीटर, वही हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या
त्रिज्या या दूरी। तो त्रिज्यकण का क्षेत्रफल कुछ इस तरह लिख लेंगे, हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये रहेंगे पाई का मान हो जाएगा हमारे पास कितना, 3.14 रख लेते हैं। आर का मान दिया हमारे पास 16.5 गुणे 16.5, थीटा का मान दिया हमारा 80 बटे 360। तो ये रहेंगे हमारे पास, गुणा कर लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा कितना, 17,109.93 बटे हो जाएंगे 9 चौको 36 9। तो ये बचाएंगे 40 दूना 80, हमारा कट जाएंगे 40 दूना 80 और 9 चौको 36। तो ये बचेंगे हमारे पास, भाग दे देंगे तो बचेंगे 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास, इसका क्षेत्रफल हो गया 19 नंबर हो गया। अब बताते हैं आपको इसी का 20 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बहुत आसान है, 20 नंबर भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लिखा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो ₹0.35 प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत बताना है आपको। तो लागत बता सकते हैं, तो हमें क्या क्षेत्रफल दे दिया है, दिया है हमको मेज पोस की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 28 सेंटीमीटर। मेज पोस की त्रिज्या दे दी स्मॉल आर बराबर 28 सेंटीमीटर। अब उनसे जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना प्रत्येक कोण क्या ज्ञात करना है। अब प्रत्येक कोण ज्ञात कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीवाओं द्वारा बना प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 360/6 तो बराबर आ जाएंगे 60 डिग्री। यहाँ पर वृत्तखंड कितना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछिए तो हमारे पास वृत्तखंड कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लिख लेंगे। हम जानते हैं कि 6 वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ले जाएंगे 6 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां से हमें क्या अकाउंट मिल जाएगा, 6 आर स्क्वायर तो बचेंगे हमारे पास पाई थीटा बटे 360 -1/2 साइन थीटा। अब थीटा का मान दिया हुआ है, रख लेंगे आर 6 गुणा जो हो जाएंगे 28 का होल स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे यहाँ पे हम क्या, 22/7 गुणा थीटा का मान दिखा 60/ कितना हो जाएंगे हमारे पास 360 -1/2 साइन 60। साइन 60 का मानक लेंगे दिया जाएंगे हमारे पास 6 गुणा 28 गुणा 28, ये बचेंगे 36 ये बचेंगे हमारे पास क्या, 3 दूना 6 11 दूनी 22, तो 11/7 = 21 माइनस साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, 2 दूना 4। अब यहां से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद वैल्यू हमें सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 6 गुणा 28 गुणा 28, तो ये हो जाएंगे एलसीएम मिलेगा 84। 21 चौको 84 होते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे पास 21 11 एकम, हमारे पास 11 चौको 44 माइनस और 21 चौको 84 तो जाएंगे 21√3 में से हम गुणा कर लेंगे तो 1.7 से, तो 1.7 गुणा हो जाएंगे हमारे पास कितने 21। अब इसको वैल्यू सॉल्व कर लेंगे आसानी के साथ में, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी क्या हो जाएगी, 6 गुणा 28 गुणा 28, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 44 माइनस 21 गुणा करेंगे हो जाएंगे 35.7/ हो जाएंगे 84। फिर हो जाएंगे हमारे पास 6 गुणा 28 गुणा 28 घटा देंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 8.3 बच जाएगा हमारे पास, 44 में 35.7 घटा देंगे तो बटे हो जाएगा हमारे पास 84। अब इसका गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे जी हमारा कट जाएगा, देखो काट लेते हैं हमारे का 14 दूनी 28 और 14 6 कितने होते हैं 84, 6 कट गया तो बचेंगे हमारे पास क्या, बचेंगे हमारे पास 28 गुणा 2 गुणा 8.3। अब इसका गुणा कर देंगे तो जी हो जाएंगे हमारे पास कितना गुणा करने पर आ जाएगा पूरा हमारे पास 28 गुना 56 गुणा 8.3 तो 56 गुणा कर देंगे जो आ जाएंगे 464.8
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया छड़े जानवर का एक वर्ग सेंटीमीटर की लागत में कितनी देती है, क्योंकि एक सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत दे दी हमें 0.35 रुपए। हमें निकालने कितने की है, तो चूंकि 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत हो जाएगी 0.35 × 464.8, इसका गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे कितने, 162.68 रुपया। जी हमारा हो गया क्या क्वेश्चन हो गया। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया, लास्ट क्वेश्चन था प्रश्न वाली 12B का, तो आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया, साथ ही साथ पढ़ा भी है, तो देखते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को चाहूंगा, अगर आप लोग देखते समय अगर वीडियो को लाइक नहीं कर पाए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए जोश नए एनर्जी नए साथ। बाय बाय।